हेलो वेलकम बैक आज की वीडियो में जैसे कि 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 हमने बात की थी ऑपरेशन को देखेंगे पहले हमारा कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा और बाद में कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी करंट माइनस वन नाइन टू इज ग्रेटेड करंट माइनस टू थाउजेंड के करंट ईयर जो है उसमें से अगर हम 192 को माइनस करते हैं तो जो एज आती है वो बड़ी होगी करंट माइनस करें तो जो एज आती है वो बड़ी होगी और इसमें से पहले माइनस का सिंबल एग्जीक्यूट होगा ग्रेटर देन का सिंबल स्मॉलर देन का सिंबल एग्जीक्यूट होगा तो ये हमारा ऑपरेशन प्रसिडेंट डिफाइन करेगा कि कौन सा ऑपरेटर किस टाइम एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से इस कोड को पिक कर लेता हूँ और इसको ले आता हूँ नीचे और इस सारे कोड को मैं कमेंट आउट कर सो so, अब हम बात करते हैं इस कोड की तो हमने बात की ऑपरेशन प्रेसिडेंस की लाइक के यहाँ पे जो ये है इसको मैं सेव करता हूँ तो देखें हमारे पास पहले क्या आया अली की एज आई डेविड की एज आई और अली की एज डेविड की अली डेविड से छोटा है नहीं तो ये फॉल्स आ गया अब एक दफा फिर ऑपरेटर प्रस्टेंस को देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन के अंदर एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं तो पहले कौन सा ऑपरेटर सोल्व होगा बाद में कौन सा ऑपरेटर सोल्व होगा जस्ट लाइक like मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ मैं कहता हूँ लेट एक्स को वाई आर टू वेरिएबल्स और इसमें कह लेते हैं हमारे पास जो है एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस नाइन माइनस एट यहाँ हम कर लेते हैं टेन माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी सेव किया और इसके साथ ही हम इसको कंसोल भी कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसमें हम एक्स को प्रिंट करवा देते हैं ठीक अच्छा अब आप देखें कि ऑपरेशन के, के में की ज़रूरत क्यों पेश आई जस्ट लाइक अगर हमारे पास ऑपरेशन प्रेसिडेंस नहीं होता तो हमारे कंपाइलर को कैसे बता चलता कि उसने पहले इन दोनों में से माइनस में में से कौन सा माइनस सोल्व करना है और माइनस और स्मॉलर देन में से कौन सा ऑपरेटर उसने पहले सोल्व करना है या फिर इन दोनों ऑपरेटर्स में से या इज इक्वल टू जो कि इट एक ऑपरेटर है इन तीन ऑपरेटर्स में से लाइन नंबर वन फोर्टी फोर के अंदर तीन ऑपरेटर हैं एक इज इक्वल टू और दो माइनस के इन दोनों तीन ऑपरेटर्स में से वो पहले किस ऑपरेटर को सोल्व करेगा ये हमारे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा लेट्स सपोज अगर हमारा कंपाइलर करता है के पहले इस ऑपरेटर को सॉल्व कर देता है तो इसके अंदर तो अभी कुछ डिफाइन हुआ पढ़ाई नहीं हुआ कुछ भी ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता अगर वो कह लेते पहले इस माइनस को सॉल्व करता है जो कि ये हमारे पास ये वाला माइनस है तो ट्वेंटी में से हमने फाइव माइनस किया हमारे पास फिफ्टीन आया ओके अब फिफ्टीन हमारे पास आया नेगेटिव का नेगेटिव के फिफ्टीन में से हमारे पास जो ट्वेंटी में से फाइव को सॉल्व किया तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा फर्स्ट स्टेप में एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस फिफ्टी और जो कि बाद में सोल्व होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बट हमारे पास यहाँ पे x का आंसर आ रहा है माइनस फिफ्टी तो ये कैसे हमारे कंपाइलर को बता रहा है कि उसने पहले कौन सा ऑपरेटर सोल्व करना है तो इसके लिए हमारे पास ऑपरेशन प्रेसिडेंस का जावास्क्रिप्ट ने एक प्रॉपर तरीका है डिफ़ाइन दि किया हुआ कि पहले हमारे पास कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे चले जाते हैं मोजिला पे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम डी एन ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस मोज़िला डेवलपर पर आगे अच्छा अब ये जो हमारे पास एम डी एम वेब डॉक्यूमेंट्स है ये आप लोगों ने इसको लाजमी बुक मार करके रख लीजिएगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं सो so, ये जो है ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अब यहाँ पे हम इसको अपने वीडियोस में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रेसिडेंस एसोस एसोसिएटिविटी बताया हुआ है तो अभी हम प्रेसिडेंस को देखते हैं और यहाँ पे हमें एक टेबल मिल जाएगा जो हमारे काफ़ी काम आएगा का। उसमें हमारे पास जावा के अंदर जितने ऑपरेटर्स हैं सारों की प्रेसिडेंस बताई हुई है कि पहले कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा अब देखें यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं जस्ट लाइक मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आप देखें इससे यहाँ पे तय हुआ है कि जो सा ऑपरेटर सबसे पहले लिखा हुआ है जस्ट लाइक ग्रुपिंग डैट्स मीन कि जो हमारे पास ग्रुपिंग है सबसे पहले ग्रुपिंग यूज होगी ऑपरेटर टाइप ग्रुपिंग है ये ऑपरेटर टाइप्स हैं सारी और ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं उन सारे ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमारे पास पैरेंथीसिस सोल्व होंगी उसके बाद कोई और ऑपरेटर सोल्व होगा जस्ट लाइक like हम अब बात करते हैं अगर हम देखें तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में हमारे पास जो आ रहा था ये वाले करट प्रॉब्लम हमारे पास माइनस है और स्मॉलर देन है तो हमारे पास माइनस और स्मॉलर देन में से कौन सी पहले यूज सोल्व शॉर्ट आउट होगी तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे माइनस कहाँ पे सप्ट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर सप्ट्रैक्शन ये है ग्यारहवें नंबर पे और ये लेफ्ट टू राइट होती है लेफ़्ट टू राइट का भी मैं आपको बता देता हूँ तो हमारे पास अभी के लिए आपने समझना है कि पहले हमारे पास माइनस सॉल्व होगा और उसके बाद हमारे पास लेस देन सोल्व होगा ओके सो हमारे पास अब करंट सिनेरियो में देखें सबसे पहले उसने किया माइनस को सोल्व माइनस को सोल्व करके जो आंसर है वो आया इस लाइन नंबर वन हंड्रेड एलेवन में आया जब हमारा कंपाइलर उसने इस लाइन को पढ़ा उसके अंदर उसने तीन ऑपरेटर मिले सब्ट्रैक्शन लेस देन सब्रैक्शन उसने सबसे पहले सब्ट्रैक्शन को सोल्व करना है अब सब्ट्रैक्शन को जब उसने सोल्व करना है तो आपने यहाँ पर देखी थी जो हमारी एसोसिएटिविटी है इसमें आप देखिए यहां पे लिखा होगा लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट में इसके पहले जो होगा लेफ्ट वाले माइनस को सोल्व करेगा देन वो राइट right वाले माइनस को सोल्व करेगा और एक तो हमारे पास ऑपरेशन प्रेसिडेंस में क्या होगा सबसे पहले सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेगा और सबसे पहले कौन से सबट्रैक्शन को सोल्व करेगा जो सबसे लेफ्ट पे है जस्ट लाइक like कि हमारी ये कोटेशन कैसे सोल्व होगी हमारी ये वाली लाइन ऐसे कुछ इस तरह सोल्व होगी करेंट माइनस वन नाइन्टी टू को सॉल्व करेगा करंट में हमारे पास ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री माइनस वन टू जो कि हमारे पास समथिंग लाइक थर्टी वन आती है तो ये हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में कंसोल डॉट लॉग थर्टी वन इस लेस देन करंट माइनस टू थाउजेंड हमारा कुछ इस तरह सोल्व हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में उसने सॉल्व सोल्व किया इस चीज़ को अब हमारे पास कौन से ऑपरेटर रह गए अब हमारे पास एक लेसन का ऑपरेटर रह गया और एक माइनस का ऑपरेटर रह गया सो so, अब वो कौन से ऑपरेटर को सॉल्व करेगा किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है प्रेसिडेंस हमारे पास स्टिल सब की ज़्यादा है लेसन से तो स्टिल वो हमारे पास माइनस को सॉल्व करेगा माइनस टू की एक ही है तो वो अब इस माइनस को सॉल्व सॉर्ट आउट करेगा सो अब वो इसकी जगह पे करंट माइनस टू थाउजेंड पर हमारे पास आ जाता है ट्वेंटी थ्री तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा कुछ इस तरह आंसर रहेगा उसके बाद वो सॉल्व करेगा हमारे लेस देन आर इक्वल को लॉजिकल को तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा आंसर वो आएगा हमारे पास थर्ड स्टेप में थर्टी वन इज ग्रेटर दैन ट्वेंटी थ्री इज स्मॉलर दैन ट्वेंटी थ्री आर नॉट ये आएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फॉल्स सेव करते हैं तो देखिए यहां पे हमारे पास जस्ट uh, लाइक like, मैं क्या काम करता हूँ मैं यहाँ पे अब लोग यहाँ पे देखें तो मैं क्या करता हूँ जस्ट एक छोटा सा काम कि मैं इनको किया और इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देखिए फर्स्ट तो उसने हमारे पास इसको जो सोल्व करके आंसर दिया था वो भी फॉल्स आया इसका भी फॉल्स आया इसका भी फॉल्स आया इसका भी फॉल्स आया और इसका भी हमारे पास फॉल्स आंसर आया तो उसने कैसे सॉल्व किया उसने वन बाय वन सॉल्व किया अरेट ये तो हमारे पास स्टेप्स आगे इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अब देखें हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है जिसके हमारे पास तीन ऑपरेटर हैं जस्ट लाइक कौन कौन से एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी अब इसको वो कैसे सोल्व करेगा वो इसको सोल्व करेगा सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक इज इक्वल टू है असाइनमेंट ऑपरेटर है और दो सबसे ऑपरेटर हैं तो किसकी प्रसिडेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर हम नीचे जाते हैं तो आप देखें हमारे पास सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रसिडेंस है टू और ये राइट टू लेफ्ट है कि राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है कि पहले ये राइट right साइड की वैल्यू को सॉर्ट आउट करेगा फिर लेफ्ट साइड की वैल्यू को सॉर्ट आउट करेगा और उसके बाद हमारा जो सब्ट्रेक्शन है उसकी प्रेसिडेंस असाइनमेंट से ज़्यादा है तो पहले सब्ट्रैक्शन सोल्व होगा फिर हमारे पास असाइनमेंट सॉल्व होगा तो जाके देखते हैं कैसे हमारा सोल्व होगा और यहाँ पर हम आते हैं तो देखें इज इक्वल टू हमारे पास किसान था इज इक्वल टू था हमारे पास राइट टू लेफ्ट और सब्ट्रैक्शन हमारे पास था लेफ्ट टू राइट आर राइट तो अब आप देखें ये किसान सॉल्व होगा इसे सॉल्व करना है सबसे पहले ये तीन ऑपरेटर्स में से जो सब्ट्रैक्शन के हैं उनको सॉल्व करेगा उसमें हमारे पास आ जाते हैं माइनस के हमारे पास दो सब्ट्रैक्शन है तो ये जो जो वन सबसे पहले लेफ्ट में है उसको सोल्व करेगा मीन्स के सबसे पहले ये सोल्व करेगा टेन माइनस फाइव को सो so, यहां पे मैं आता हूं सबसे पहले इसने सोल्व किया टेन माइनस फाइव को तो हमारे पास आंसर आया फाइव टेन इससे फिर सोल्व किया फाइव माइनस ट्वेंटी क्या हमारे पास आया हमारे पास आया फाइव माइनस ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन अब इसके बाद इसने क्या किसको सॉल्व करना है इसके बाद ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर को सॉल्व करेगा जिसके अंदर पहले वो इसने असाइनमेंट ऑपरेटर की पहले सारे राइट right साइड वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है फिर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करके तो जब एक बार ये शॉर्ट होगी राइट साइड की वैल्यू तो अब ये इस वैल्यू को इसके अंदर रखवाएगा और अब हमारे पास आंसर आएगा इसका जो भी आंसर होगा जो कि हमारे पास माइनस फिफ्टीन है तो ये हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस है अब ऑपरेसर ऑपरेटर प्रेसिडेंस में एक और चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो हमारे पास आ जाती है जस्ट लाइक like के मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू वाई एंड y को मैं एक वैल्यू देता हूँ जस्ट लाइक के y, x को मैं एक वैल्यू देता हूँ मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू टू सो यहाँ आप आपने देखना है मैं यहाँ पे करता हूँ x और इसके साथ ही x के साथ मैं यहाँ पे y को प्रिंट करवा लेता हूँ सेव करता हूं अब आप देखें यहां पे हमारे पास किस्सा आएगा तो अब देखें ये हमारे पास किस्सा सोल्व हो रहा है इसने पहले सोल्व किया इसको सो so, वाई की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई वाई की हमारे पास वैल्यू आ गई ये हमारे पास इससे आया एक्स करंटली क्या हमारा टू है तो इसके हमारे पास वैल्यू x प्लस इक्वल टू माइनस फिफ्टी और इट अभी भी आप देखें तो करंट हमारे पास सेम सेम चीज़ आएगी बट अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे हमने जो y की जगह पे यहाँ पे माइनस अब हमारे पास क्या हुआ अब हमारे पास पहले x की वैल्यू चेंज हो गया माइनस फिफ्टीन हो चुकी हुई थी तो अब उसमें दोबारा चेंजिंग हुई है तो ये आ गया तो अभी के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आ गई मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और फिर दोबारा इसको सेव करता हूँ तो अभी हमारे पास ये है अब हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू आ गई ये अब x की वैल्यू किसना सोल्व हुई यहाँ पे दो इक्वल टू थे तो उसने पहले क्या किया उसने पहले इसमें बेसिकली बताने का मकसद ये है उसने पहले इस चीज़ को सोल्व किया इस चीज़ को सोल्व करने के बाद वो यहाँ पे आया तो इससे पहले यहाँ से सोल्व किया पहले टेन को सोल्व किया फिर फाइव को किया फिर ट्वेंटी को किया अब यहाँ पर पहले ये वाई को सोल्व करेगा फिर एक्स को सोल्व करेगा लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा क्या चीज़ है अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन की डिवीजन में एक मसला आता है जस्ट लाइक कि डिवीज़न में हमारे पास क्या मसला आएगा डिवीज़न में हमारे पास मसला आएगा एक्स एंड वाई आर टू वैल्यूज लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ वाई इज इक्वल टू फाइव हमने इनकी निकालनी है एवरेज लेट एवरेज हमने इनकी एवरेज निकालनी है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई और उसके साथ एवरेज शो हो तो एवरेज किसान निकालते हैं एवरेज का हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू टू या फिर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगी नंबर ऑफ वैल्यूज तो आप देखिए मैं इसको सेव करता हूं तो हमारे पास टू फोर टू फाइव और फोर पॉइंट फाइव एवरेज आ जाएगी इन दोनों नंबरों की लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंस की तो आप देखें हमारे पास डिवीज़न की प्रेसिडेंस क्या है डिवीज़न की प्रेसिडेंस हमारे पास एडिशन से ज़्यादा आ जाती है एम आई राइट आर नॉट डिवीज़न ट्वेल्थ नंबर पर है और हमारे पास एडिशन एलेवंथ में है तो पहले डिवीज़न होगी फिर एडिशन होगी डिवीज़न तो चूंकि डिवीज़न की परसेंट ज़्यादा है तो डिवीज़न पहले हुई तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वाई डिवाइडेड बाई टू फाइव डिवाइडेड बाई टू के आ गया टू पॉइंट फाइव और जब उसको हम एक्स में यानी टू में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा फोर पॉइंट फाइव जो कि हमारे पास एक जो सही एवरेज नहीं आ रही क्योंकि टू और फाइव की जो सही एवरेज आती है वो समथिंग राइक थ्री पॉइंट फाइव आती है बट यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज आ रही है वो आ रही है फोर पॉइंट फाइव तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए हम ग्रुपिंग का ऑपरेटर यूज़ करेंगे जस्ट लाइक like इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखने के बजाय इस इक्वेशन को हम लिखेंगे ग्रुपिंग के अंदर कि इसकी के हमने प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा कर ली अब जो सबसे पहले पैरन के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमारा सॉल्व होगा उसके बाद वो पैरेंथीस के बाहर वाले ऑपरेटर से कंपेयर होगा कि पहले एक्स प्लस वाई होगा क्यों क्योंकि वो हमारे पैराथीसिस के अंदर है तो पैरेंथिस के अंदर को, अगर कोई ऐसा ऑपरेटर रहता है, है जिसकी प्रेसिडेंस बाहर वाले ऑपरेटर से कम है लेकिन वो पैरेंथिस के अंदर है तो पहले पैरथीसिस के अंदर वाला सोल्व होगा अब इसको मैं सेव करता हूँ तो अब आप देखें हमारे पास थ्री आंसर आएगा जो कि एक साइट एवरेज है तो ये हमारे पास थी ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज